छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में SECL मुख्यालय के सामने अब कर्मचारियों ने हंगामा शुरू कर दिया है। कर्मचारी गुरुवार सुबह सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर दिया। इसके चलते बिलासपुर सीपत रोड में वाहनों की लाइन लग गई। कर्मचारी SECL से निकाले गए। अप्रेंटिसशिप युवाओं के आंदोलन के चलते बुधवार से ऑफिस बंद होने से नाराज है। दूसरी ओर SECL प्रबंधन की तरफ से आंदोलनकारी युवाओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कराया जा रहा है। अधिकारी और कर्मचारी गुरुवार सुबह दफ्तर पहुंचे तो फिर बंद मिला। इसके बाद उनका गुस्सा भड़क गया। कर्मचारियों ने मुख्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने कर्मचारियों को अंदर ऑफिस में ले जाने का प्रयास किया। इसे लेकर दोनों ओर से जमकर धक्का मुक्की हुई। इसके चलते SECL मुख्यालय की रेलिंग भी टूट गई। दरअसल अप्रेंटिस कर चुके बेरोजगार युवक पिछले 24 घंटे से SECL मुख्यालय का घेराव कर गेट के सामने धरने पर बैठे हैं। बुधवार सुबह 9 बजे से युवक युवतियां और महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। बावजूद इसके प्रबंधन उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रदर्शन कर रही युवाओं ने बताया कि SECL ने उन्हें ITI ट्रेनिंग के बाद अलग अलग नौकरी एरिया में अप्रेंटिसशिप रखा था। अप्रेंटिस पूरा होने के बाद अब उन्हें निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से प्रशिक्षित युवा बेरोजगार हो गए हैं।